नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। बजट से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट्स की विशेष श्रृंखला में आज मैं हूं श्याम सुंदर। बजट की तैयारियों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चिंता जिस बात की जा रही है वो है वित्तीय घाटा। साधारण भाषा में कहा जाए तो चिंता इस बात पर है कि कैसे सरकार की आमदनी बढ़ाई जाए और फिजूल खर्ची को रोका जाए। दूसरी चिंता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे तेजी आए, कैसे उसका विकास हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार के घाटे को कम करने के लिए भी कई तरह के उपाय सुझाए जा रहे हैं, लेकिन जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र को नई सरकार के पहले बजट से किस तरह की उम्मीदें करनी चाहिए, और ये इसलिए भी अहम है कि पिछले 10 साल यूपीए की जो सरकार रही उसका ये दावा था कि उसका फोकस सामाजिक क्षेत्र के विकास पर था। और ये बात सही भी है कि 2004 से 2014 के बीच में ना सिर्फ कई बड़ी योजनाएं शुरू हुई बल्कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए कई ऐसे कानून भी पास किए गए जिनसे नागरिकों को नए अधिकार मिले। ...2004 वो साल था जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, जिसे वामपंथी पार्टियों का समर्थन हासिल था। करीब चार साल तक वाम दल इस सरकार को समर्थन देते रहे। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई, जिसमें ज्यादातर वो लोग थे जो सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इस सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो देश में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते थे, लेकिन उनके नेतृत्व की सरकार के पहले पांच साल में सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता मिलनी शुरू हुई, या यूं कहें कि उन्हें सामाजिक क्षेत्र को तवज्जो देनी पड़ी। इस दौर में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जनसंगठन नीतियों को प्रभावित करते हुए नजर आए। सरकार ने सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बढ़ाना शुरू किया। 2005-2006 में सर्व शिक्षा अभियान पर सरकार ने 7,166 करोड़ रुपए दिए, जबकि 2012-2013 तक शिक्षा पर बजट में आवंटन बढ़कर 25,555 करोड़ हो गया। 2005 में स्वास्थ्य पर बजट में 10,040 करोड़ रुपए दिए गए। 2012-2013 तक स्वास्थ्य पर बजट बढ़कर 34,488 करोड़ रुपए हो गया। ग्रामीण विकास के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी हुई। 2013-2014 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का 14% दिया गया। 2013-2014 में खाद्य सुरक्षा कानून के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। कुल मिलाकर 2004 से लेकर 2014 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, बाल विकास, कृषि, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने ज्यादा पैसा दिया। सूचना का अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा को लोगों का कानूनी अधिकार बनाया गया। जहां तक ये अधिकार और सोशल सेक्टर की बात है, ये निश्चित रूप से ये आवाज़ नीचे से उठी है। ऐसा नहीं है कि यूपीए की सरकार से आवाज़ पहली पहल उठी है, पहली बात तो ये। लेकिन ये भी सही है कि यूपीए की सरकार पिछले 10 साल थी, 2004 से 2014 थी, और 2004 से कई सारे ऐसे मुद्दे, राइट टू एजुकेशन का मुद्दा था, मनरेगा का मुद्दा था, और उसके बाद फिर अंत में राइट टू फूड का मसला आया। इन मुद्दों पर सरकार ने पहल किया, या ये कहें कि प्रतिक्रिया दी, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कुछ जनसंगठन और वामपंथी दल मानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में जितना काम हो सकता था उतना नहीं हुआ, लेकिन जो काम हुआ है उसे वो कम नहीं मानते हैं। मसलन संसद में कानून बनाकर जो कई नए अधिकार नागरिकों को दिए गए, उन्हें ये लोग भी अहम मानते हैं। जो यार रोजगार का ही स्कीम ले लीजिए, ग्रामीण रोजगार का, उसका बढ़ाने की बात थी, बड़ा कुछ, लेकिन उस ढंग से ना लागू हो रहा है ना उस ढंग से बढ़ा दिया गया। फूड सिक्योरिटी की बात थी, ये सबको फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2/3 को ही मिल रही है। तो इस तरीके से थोड़े बहुत बड़े खामियां थी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि चर्चा ज़रूर हुई, और पहली बार हमारे हिसाब से आज़ादी के बाद जो बुनियादी जो अधिकार आपके संविधान में जो दिए गए, उन अधिकारों को बढ़ाकर नए क्षेत्रों को उस बुनियादी अधिकारों में जोड़ा गया।
जैसे आपको मतलब अन्न सुरक्षा की बात, शिक्षा का बात, या आपके रोज़गार की बात, आई मीन ये बातें जो संविधान में नहीं हैं वो अब नए कानूनों के द्वारा ये नई बात ज़रूर आई एजेंडे पर। सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं और कानून को बनाने में इस क्षेत्र से जुड़े जन संगठनों का दबाव और भागीदारी दोनों रहा। यूपीए सरकार के आखिरी समय तक ये जन संगठन सरकार पर सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं पर ज्यादा खर्च और इसके दायरे को बढ़ाने का दबाव बनाते रहे, लेकिन कुल मिलाकर ये भी इस बात से सहमत हैं कि पिछले एक दशक में इस दिशा में ठोस पहलकदमी हुई। पिछले 10 साल में सोशल सेक्टर के ऊपर फोकस रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनरेगा हो, चाहे आपने जिस तरह से कहा खाद्य सुरक्षा की बात हो, इन सब के ऊपर कानून भी आए हैं और काफ़ी हद तक काम भी हुआ है। पर मेरे ख्याल से एक जो चीज़ कमी रह गई, अगर उसे कहा जाए, तो वो ये है कि जहाँ तक पहुँचने चाहिए थी वो सुविधाएं, वो स्कीमों के जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिशरीज तक हमेशा नहीं पहुँचे। भ्रष्टाचार बहुत हद तक रहा है सभी स्कीमों में, तो इसके ऊपर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और सरकार को इसके ऊपर, जो अब सरकार आई है, उसको इसके ऊपर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत रहेगी, चाहे वो बजट आउटलेस के तरीके में हो, चाहे वो कानून और लाकर, अच्छा एक शिकायत निवारण कानून लाकर एक व्यवस्था बनाने के रूप में हो, पारदर्शिता लाने के रूप में हो, ये काम और ज़रूर रहते हैं। अभी सामाजिक क्षेत्र पर बजट में आवंटन के सवाल पर भी पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को भी जानकार नई शुरुआत मानते हैं। अधिकार के क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में निश्चित रूप से ये पहलकदमी हुई और ये इसका प्रभाव एक्सपेंडिचर का जो ढांचा है उसके ऊपर भी पड़ा। एजुकेशन के ऊपर केंद्र का एक्सपेंडिचर बढ़ा, हेल्थ के ऊपर भी बढ़ा, और कुछ हद तक शुरू 2005-06 से 2009-10 तक मनरेगा पर भी बढ़ा। पिछले 10 सालों में सामाजिक क्षेत्र में सरकार ने जो खर्चा बढ़ाया, इसका एक और अहम पहलू है। ये पहलू है, जब भारत में सामाजिक क्षेत्र में खर्चा बढ़ रहा था, उस दौर में खास तौर पर 2008 के बाद से दुनिया के कई विकसित देश इस क्षेत्र में खर्च में कटौती कर रहे थे। इसका कारण था आर्थिक मंदी। अमेरिका, इंग्लैंड और स्पेन जैसे देशों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्रों में खर्च को कम करने के लिए कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव कहते हैं कि करीब 2 दशक पहले अधिकारों को लेकर सरकारों पर जन दबाव बनना शुरू हुआ। वो कहते हैं कि वाजपेयी सरकार में भी इस पर कुछ कोशिशें शुरू हुई थी, लेकिन पिछले 10 सालों में इस विषय में कुछ ठोस पहलकदमी यूपीए की सरकारों ने की। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी कहते हैं कि 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार बनी तो उस पर वामपंथी पार्टियों का दबाव था, जिससे सामाजिक क्षेत्र फोकस में आया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सामाजिक क्षेत्र को लेकर यूपीए के अंदर भी एक राय रही हो। सरकार के अंदर भी एक ऐसा पक्ष था जो इन योजनाओं को आशंका की नज़र से देखता था। कई मजबूत तर्क मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजनाओं के खिलाफ भी तैयार किए गए। इन तर्कों पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक क्षेत्र को नई सरकार के पहले बजट से किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए। हमने अभी तक चर्चा की कि पिछले 10 सालों में सामाजिक क्षेत्र पर खर्चा कई गुना बढ़ाया गया और इसको लेकर संसद और संसद के बाहर व्यापक बहसें हुईं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहस समाप्त हो चुकी है। ये बहस अभी भी चल रही है। एक तरफ सामाजिक क्षेत्र के पक्षधर हैं जो कहते हैं कि सरकारों को इन योजनाओं पर खर्च बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक तरफ ये भी तर्क तैयार किया गया है कि ये योजनाएं लोगों को आलसी और निकम्मा बना सकती हैं। ये भी तर्क दिया जाता है कि लोगों को अगर रोज़गार देना है, अगर सुरक्षा देनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और लोगों की स्किल को निखारा जाना चाहिए। क्या ये तर्क सही हैं? इन तर्कों के किस तरह के जवाब हैं, आइए नज़र डालते हैं।
मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे कानूनों को लेकर ये राय रखने वालों की भी कमी नहीं है कि ये कदम अर्थव्यवस्था पर गैर जरूरी बोझ हैं। मनरेगा को लेकर तर्क दिया जाता है कि इस कानून के तहत खर्च होने वाले पैसे से होने वाला काम टिकाऊ नहीं है। खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज उपलब्ध कराने के फैसले के विरोध में तर्क है कि ये लोगों को निकम्मा बना सकता है, हालांकि इन तर्कों का मजबूत जवाब भी मौजूद है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं गरीबों में, जिस रूप में भी चले, चाहे मनरेगा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, या हम ये खाद्य बिल था उसके माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से हमारी स्कीम की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि लोग उस, अगर इस परिस्थिति में आते हैं कि लोगों को उस प्रकार के सपोर्ट की, समर्थन की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने पैर पर खड़े हो सकें। निश्चित रूप से किसी भी स्कीम की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो स्थायी रूप से किसी को विद इन कोर्ट्स आश्रित न बना दे, उनको अपने श्रम का स्वयं लाभ लेने योग्य बनाए। लेकिन आप जिन स्कीम्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, मनरेगा में तो लोग सबसे कठिन परिश्रम करते हैं। जिस तरह का परिश्रम, मतलब जिसको हम कहेंगे कि आम आदमी या आम जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, किसान है, वो भी आम तौर से नहीं चाहेगा कि वो पत्थर तोड़े, वो दिन भर सड़क पर खोदने का काम करे, बहुत कठिन परिश्रम करता है, और उसके बाद उसकी एवज में उसको मजदूरी मिलती है। और यही नहीं कि वो परिश्रम करके कुछ वो पत्थर तोड़ता है या खाद, वो इस प्रकार के एसेट्स का निर्माण करता है जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ती है। ये हो सकता है कि वो जो एसेट्स की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी ना हो, लेकिन अगर आप गाँव में जाएँ और गाँव में जो स्थाई इस प्रकार की पब्लिक संपदा है, जो एसेट्स का निर्माण पिछले 10 साल में हुआ है, अगर आप गाँव वालों से पूछें कि ये कैसे हुआ है, सड़कों का हुआ है, कुओं को या तालाब का या बहुत सारी और चीज़ों का जो निर्माण हुआ है, आप 90% आप उनसे उत्तर पाएंगे कि ये मनरेगा की योजना के अंतर्गत हुआ है। मनरेगा जो है, इसमें तो मेहनत करके लोगों को 100 दिन की मजदूरी दी जा रही है, कोई इसमें कोई डोल नहीं है, तो लोगों को जाकर एनरोल करके और उन्हें काम दिया जाएगा और उन्हें काम करके फिर उसका वेतन दिया जा रहा है। यदि सरकार कहीं सक्षम नहीं होती लोगों को 100 दिन की मजदूरी देने के लिए, तब उनको एक भत्ता दिया जाता है। पर वैसे 100 दिन की मजदूरी का काम है, इसमें लोगों के आलसी बनने का कोई, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई डर है। जहाँ तक खाद्य सुरक्षा की बात है, मुझे लगता है कि ये बहुत कड़वा सत्य है कि आज हमारे देश में जो बच्चों का कुपोषण है वो शायद सब अफ्रीकन कंट्रीज से भी बुरा है। तो ऐसे में क्या हमारा देश प्रगति की बात कर सकता है, डेवलपमेंट की बात कर सकता है, जब हम अपने बच्चों को, अब जो युवा हैं या बूढ़े हैं, उनको हम दो टाइम का अनाज भी ना दे सकें। मनरेगा के तहत टिकाऊ और उपयोगी काम नहीं हो रहा है, इस तर्क का भी मजबूत जवाब दिया जाता है। लोगों को अगर एक बेहतर ज़िंदगी देने की बात आई, अगर बेहतर ज़िंदगी मिलने से लोग निकम्मा होते, तो मतलब ये तो वही पूंजीवादी लॉजिक है कि उनको बेहतर ज़िंदगी देने की जगह उनके ऊपर जो खर्च कर रहे हो, ये बेहतर ज़िंदगी देने के लिए वो खर्चा जो है, अगर वो पैसा हमारे लिए उपलब्ध करते हो तो हम ज़्यादा मुनाफे बनाते, तो उनकी शिकायत वो है। ये निकम्मापन करना, ये आज की बात थोड़ी है, सामंतवाद से सुने आ रहे हैं ये सब, कि जो खेत मजदूर जो है वो निकम्मा है, काम नहीं करता, और काम नहीं करता इसलिए उसकी ज़िंदगी में तरक्की नहीं किया। अब बड़े बड़े सरमायादारों की और बड़े बड़े सामंती, मतलब ज़मींदारों की और बड़े पूंजीपतियों की जो बच्चे जो है, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है भाई, क्या काम किया उन्होंने, इतने बड़े बड़े खरकारों के मालिक बन गए। मनरेगा जैसी योजनाओं के पक्षधर भी मानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं भ्रष्टाचार का शिकार हुई हैं, चाहे बात मनरेगा की हो या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। लेकिन इनका तर्क है कि कमी निगरानी की व्यवस्था में है, योजनाओं में नहीं। यही हमारी शिकायत रही है, ना सिर्फ कम हुआ, उसको लागू करने में बहुत बड़ी कमियाँ थी, जिसके चलते हुए भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा सवाल था, और जितना मिलना चाहिए था कानूनी तौर पर लोगों को, वो पैसा नहीं दे रहे थे। और मुख्य रूप से जो मनरेगा की अगर बात कहें, मनरेगा के चलते हुए आपको कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए था,
वही योजना थी यूपीए वन में, जब हमने इसको इसका प्रपोजल तो लेफ्ट से आया था और जब हमने रखा था कि जहाँ पर कुएं खुदवाइए, नहरें बनवाइए, आप जो है जहाँ पर ज़रूरत है ब्रिजें बनवाइए। मुद्दे दो हैं, पहला है कि क्या इन सब स्कीम्स की ज़रूरत है कि नहीं, और दूसरा है कि क्या इनका फ़ायदा जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं। और मुझे लगता है कि इसके सवालों के जवाब बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये जो सारी स्कीमें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आज हम जिस तरीके की इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जिस तरीके की हम इनइक्विटीज़ हमारे देश में देख रहे हैं, असमानताएं देख रहे हैं, इनको देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि सोशल सेक्टर पर स्पेंडिंग हो। लेकिन साथ ये भी ज़रूरी है कि जो पैसा, जो सरकार का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा इन स्कीमों पे लगाया जाता है वो सही तरीके से वहाँ पर पहुँचे। और यहाँ इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो पैसा सही से पहुँचाया नहीं जा रहा है इसलिए स्कीमों की ज़रूरत नहीं है। ये तो यही कहना होगा कि अगर सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मुहैया कराई जा पा रही हैं तो बंद कर दीजिए अस्पतालों को। तो कुल मिलाकर ये बात सही है कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और निगरानी की व्यवस्था बनानी होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि नई सरकार से सामाजिक क्षेत्र किस तरह की उम्मीद रख सकता है? क्या नई सरकार के लिए ये संभव है कि सामाजिक क्षेत्र पर जो खर्चा बढ़ रहा था, जिस दर से बढ़ रहा था, उसको जारी रखा जाए, बरकरार रखा जाए? क्योंकि हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं, वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे पता चलता है कि वित्तीय घाटे से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और चर्चा इस बात की भी है कि सरकार को अपने सब्सिडी बिल से पीछा छुड़ाना चाहिए। केंद्र में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद निवेश का माहौल बदलने के संकेत मिले। स्टॉक मार्केट में तेजी दर्ज हुई, लेकिन सरकार के सामने चुनौती है कि अगर सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास चाहती है तो उसकी ठोस नीतिगत पहल करे। कई अर्थशास्त्री ये तर्क देते हैं कि सरकार को सब्सिडी बिल से पीछा छुड़ाना चाहिए, लेकिन सामाजिक क्षेत्र के सरोकारों की बात करने वालों का कहना है कि लोगों में निवेश को सब्सिडी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पिछले साल आपने जो टैक्स की छूट दी देश के अंदर अमीरों को और अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को, कॉरपोरेशंस को, वो था 5,76,000 करोड़। पिछले साल आपका फिस्कल डेफिसिट कितना था? 5,20,000 करोड़। यानी फिस्कल डेफिसिट से 56,000 करोड़ रुपए ज़्यादा टैक्स की छूट दी आपने। अगर इसको ना देते तो देश में कोई घाटा नहीं है। अगर यही टैक्स आप वसूल करते, टैक्स रेट बढ़ाने की बात कोई नहीं कर रहा, आज का जो टैक्स का रेट है, स्ट्रक्चर है, उसी के आधार पर जो लाजमी टैक्स आपको मिलनी चाहिए थी सरकार को, वो अगर आप लेते तो हाथ में इतना पैसा होगा सरकारी निवेश के लिए, ताकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन सके, नए लाखों में नए नौकरियां सृष्टि हो, लोगों को जिंदा रहने के लिए आमदनी मिलती, काम भी करते और वो आमदनी वो खर्च करते, तब देश के अंदर मांग बढ़ता और उसके आधार पर आर्थिक विकास होती। पहली तो ये जो टर्मिनोलॉजी है सब्सिडी की, जो बार बार इस्तेमाल की जाती है, सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर, लोगों में इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के रूप में हो, वो इन्वेस्टमेंट सोशल सिक्योरिटी के रूप में हो, वो एक्सपेंडिचर उनके खाने के रूप में हो कि उनको भोजन मिले, उनको आहार मिले, उनको ये सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी के जो बड़े बड़े क्षेत्र थे और आज भी जो बड़े बड़े क्षेत्र बने हुए हैं, टैक्स में राहत दिए जाने की बात होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के माध्यम से राहत दिए जाने की बात होती है, वो बड़ी सब्सिडी है। एक्साइज में छूट दिए जाने की बात होती है। एक तर्क ये भी है कि लोगों को रोजगार देने के लिए उनका स्किल बढ़ाया जाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास को तेज किया जाए, लेकिन इस तर्क के जवाब में भी तर्क मौजूद हैं। आज सैकड़ों स्टडीज किए हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो देहे विकास की बात आप जो कह रहे हो, जब तक मानव संसाधनों का विकास नहीं होता, आर्थिक विकास भी जिस छोटे आंकड़े से आप जिसको पहचानते हो वो भी संभव नहीं है। अब बड़े बड़े देशों के अंदर ये बात हो रही है, जब तक समानता के नज़दीक नहीं पहुँचोगे आप, तो आर्थिक विकास भी संभव नहीं है।
और जो असमानता आज हमारे मुल्क में है तो शायद पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर है तो वो हिंदुस्तान में हो सकता है, छोटे छोटे देशों में और ज़्यादा हो, लेकिन जिस तादाद में जनसंख्या है यहाँ पे इतनी बड़ी देश में, एक दो भारतों का जो निर्माण हो रहा है लगातार, दोनों के बीच में फासला बढ़ते जा रही है, वो शायद किसी और मुल्क में नहीं है। और जितना ज़्यादा असमानता बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो अंकुश रहेगा आपके आर्थिक विकास में। और बिना असम ये मतलब ये असमता को बिना आप एड्रेस किए हुए आर्थिक विकास कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकता। वामपंथी पार्टियां कहती हैं कि इन योजनाओं को जारी रखना बेहद अहम है। अभी तक जो सोशल सेक्टर में जो भी योजनाएं चल रही है उसको जो है मतलब उसके तादाद को कम करने की बात या उसको बंद करने की बात जो भी हो रही है, इस बात को तुरंत बंद करना चाहिए। इस बजट में हम चाहते हैं कि ये जो अगर मतलब ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको कम से कम कंटिन्यू तो करें। बेशक इसको किस तरीके से लागू कराएंगे उसके अंदर जो बेहतरी करना है वो ज़रूर करिएगा, लेकिन पुनर्विचार करके ये फजूल पैसे का खर्च है ये गलती मत करिए। 2009 में यूपीए की वापसी का एक बड़ा कारण मनरेगा का असर भी बताया जाता है। कई जानकारों का दावा है कि 2012-2013 के आते आते यूपीए 2 ने सामाजिक क्षेत्र में होने वाले खर्च से हाथ खींचने शुरू किए, जिसका राजनीतिक परिणाम उन्हें चुनाव नतीजों में भुगतना पड़ा। जो ध्यान देने योग्य बात है ये है कि जब से यूपीए ने जब शुरू की अधिकार के बारे में लड़ाई, खासतौर से राहुल गांधी जी ने इलेक्शन के पृष्ठभूमि में कहना शुरू किया कि हम चाहते हैं कि लोगों को अधिकार मिले, हम राइट्स बेस्ड डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, फैक्ट तो ये कि उसके पहले यूपीए की सरकार ये सब पहलकदमी छोड़ चुकी थी। 2012-13 से जो एक्सपेंडिचर के बढ़ने की प्रवृत्ति थी, बढ़ रहा था सोशल सेक्टर पर, 2012-13 से घटना या तो रियल टर्म्स में घटना शुरू हो गया था या कम से कम राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में स्वास्थ्य में, शिक्षा में, मनरेगा में तो सिर्फ अगर हम सिर्फ रुपए के टर्म्स में देखें, वास्तविक रूप में ना भी देखें तो मनरेगा में एक्सपेंडिचर या तो उतना ही का उतना बना रहा पिछले 3-4 साल में और या घटने लगा। प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव ये भी मानते हैं कि योजनाएं बेशक भ्रष्टाचार का शिकार हुई हों लेकिन फिर भी लोगों की जिंदगी में इन योजनाओं ने बेहतर असर डाला है। ये जितने फैसले अब तक हुए हैं, चाहे मनरेगा का फैसला हो, राइट टू एजुकेशन का फैसला हो, राइट टू फूड का फैसला हो, ये द्विपक्षीय या बहुपक्षीय फैसले हैं। इनके ऊपर पार्लियामेंट में, संसद में बहस चली है, लंबी बहस चली है और इनमें जैसा कि आप जानते हैं मनरेगा में स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी कल्याण सिंह जी ही अध्यक्ष थे, उस समिति के अंतिम रूप उन्होंने मनरेगा को दिया। तो कहने का मतलब ये कि एक मतैक्य था कि इस तरह की योजनाओं को, इस तरह के एक्ट्स को, इस तरह के इंटाइटलमेंट्स को आना चाहिए, बहुपक्षीय था। ये ज़रूर है कि इस समय स्थिति यह है कि जो निर्णय हैं वो प्रधानमंत्री केंद्रित हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है इलेक्शन के पहले और जिस तरह की शैली सरकार आज भी प्रयोग कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे सरकार जो राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक जो वास्तविकता है, जैसे जैसे सरकार बनने के बाद देखा जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो पहल है ये अब जनता के बीच जा चुकी है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड वगैरह की। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए ये संभव है कि वो बड़ी तेजी अपना हाथ खींचना शुरू करे, और अगर हाथ खींचती है और इसको एक सुदृढ़ीकरण नहीं करती है बल्कि इन कदमों का, जैसा कि करने की ज़रूरत है, आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए एक बहुत मजबूत आवाज़ उठी थी जो कि आवश्यकता है, इस समय भारत की आवश्यकता है और हम विकास की इस सीढ़ी पर खड़े हैं जहां हम इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं जी। तो सरकार का या प्रधानमंत्री जी का इन चीज़ों में जो भी मत हो, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक जो वास्तविकता है उससे सरकार जैसे जैसे परिचित होगी, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं दोबारा इन चीज़ों के ऊपर एक गंभीर सोच बनेगा। और पहले तो अब बजट है,
तो इस बजट में हमें कुछ इसके जो चीज़ें प्रतिबिंबित होती हैं सरकार की नीतियों की, वो देखने को मिलेंगी। और किस कड़े फैसले किसके पक्ष में होते हैं और उनका प्रभाव किसके ऊपर होता है, सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव, ये देखने को उसकी पहली कड़ी तो हमें इस बजट में मिलेगी। जन संगठनों के लोग कहते हैं कि लोगों को ये अधिकार लंबे संघर्ष के बाद मिले हैं। उनका तर्क ये है कि खाद्य सुरक्षा और मनरेगा या फिर शिक्षा का अधिकार हो, ये ऐसे मसले हैं जो लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं, इसलिए सरकार पर इस क्षेत्र में पैसे का आवंटन बढ़ाने का जन दबाव मौजूद रहेगा। मुझे लगता है कि दबाव बनाने की ज़रूरत है, क्या दबाव बनेगा, क्योंकि जो मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं, खाद्य सुरक्षा जैसी स्कीम्स हैं, पेंशन्स की जो स्कीम्स हैं, ये सब एक बिल्कुल आम नागरिक को छूने वाली स्कीम्स हैं, उनके बिल्कुल मतलब की स्कीम्स हैं। तो यदि इनके ऊपर आउटले कम होता है, खर्चा कम होता है, तो वो नागरिक ज़रूर दबाव बनाएंगे और सरकार को ये ज़रूर याद दिलाएंगे कि उनको किस लिए उन्होंने चुना है। और ये आपने सही कहा है कि हमने देखा है कि प्रोग्रेसिवली कम भी हुआ है खर्चा बजट्स के अंदर इन ज़रूरी स्कीम्स पे। बहुत ज़रूरी है कि इन स्कीम्स के ऊपर ठीक से आउटले हो, ठीक सरकार इनके ऊपर बजट करे जो अमाउंट खर्च करना है। तो नई सरकार के पहले बजट से सामाजिक क्षेत्र की उम्मीदों की बात करें तो ये एक क्षेत्र उम्मीद करता है कि जो शुरुआत हुई है, यानी कि सामाजिक क्षेत्र पर जो खर्चा बढ़ा है, जिस तरह के कानून पास हुए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, वो बरकरार रखी जाएं, उन पर खर्चा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सभी मानते हैं कि ये सभी कानून और योजनाएं गरीबों के हक में हैं और गरीबों के हकों की रक्षा की जानी चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही। एक और विशेष रिपोर्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे विदा दें, नमस्कार।